भारत संतों की भूमि रही है बरसों से। सतयुग से आज तक लाखों संत हुए, लेकिन कलयुग में 51 संत सबसे बड़े हुए। आप चाहें तो गूगल में सर्च कर सकते हैं द 51 मॉन्क्स ऑफ इंडिया या फिर अमृतस्य पुत्र के नाम से, जिसमें से एक नाम साईं बाबा का भी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगलमंद लोगों ने 51 पूजनीय संत बनाए, उसमें आप 50 को तो पूजनीय मानेंगे और एक को नहीं मानेंगे। ये एक हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के मानने वाले संतों का अपमान करने की एक साजिश है, जिसका भी मैं आपको एक प्रूफ भी दूंगा। लेवल समझना होगा कि वो 51 संत कौन से हैं और किस लेवल के थे साईं बाबा। तो वो 51 संतों में थे, एक थे शंकराचार्य, जिन्हें महादेव का अवतार कहा जाता है। दूसरे संत थे गुरु नानक जी, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। तीसरे हैं चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। पूरे 50 नाम आप सुन नहीं पाएंगे, तो मैं कुछ बड़े बड़े नाम ही आपको बताऊंगा। गोरक्षनाथ जी, नीम करोली बाबा, राघवेंद्र स्वामी, स्वामी समर्थ, दियोरा बाबा जो मथुरा में हैं, संत तुकाराम, संत तुलसीदास, संत कबीर, रामकृष्ण, ब्रह्मानंद स्वामी, स्वामी विवेकानंद, महर्षि रमण। तो आप पूरे नाम जो हैं गूगल पे सर्च कर सकते हैं। साईं बाबा को दत्तात्रेय जी का अवतार कहा जाता है। तो दत्तात्रेय थे ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार, तीनों की शक्तियाँ थी उनमें। तो उसका तो एक अलग से वीडियो मैंने बनाया है, लेकिन दत्तात्रेय जी के सभी अवतारों को आप मानेंगे लेकिन साईं बाबा को नहीं मानेंगे, तो ऐसे दत्तात्रेय के मानने वालों को आप क्या कहेंगे? ये तो हिंदू संतों को बदनाम करने की एक साजिश है। ये तो मैंने सिर्फ आपको दो ही प्रूफ दिए हैं, ऐसे कई प्रूफ मैंने दिए हैं मेरे दूसरे वीडियो में, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, जाके ज़रूर देखिएगा। जो भी आपके पास मैसेजेस आते हैं या गूगल का लिंक आता है कि जिसमें बताया गया है कि साईं बाबा का नाम चांदनिया था, वो बंजारे थे, ऐसी कोई भी किताब नहीं है। किसी ने भी गूगल के ऊपर अपडेट कर दिया है और टेक्स्ट मैसेज बता बता साईं बाबा का जन्म कब हुआ था, ये खुद साईं बाबा ने किसी को नहीं बताया। तो ये चांदनिया की कहानी लाने वालों से कहिएगा कि ऐसी किताब लाएँ जहाँ पर ये सब चीज़ें लिखी हैं। ये मनगढ़ंत बताते हैं और इन्हीं पर जाके अपने देवी देवताओं और अपने संतों का अपमान सहन मत करिए। जय साईं नाथ। गारंटी से बोलता हूँ, आपके पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए कमेंट बॉक्स में जाकर कोई भी चांदनिया वाली कहानी बातें मत कीजिएगा। बात करनी हो तो प्रूफ के साथ में करिएगा। जय साईनाथ।